आंखों से राब्ते के पांच खुफिया रास। आंखों से राब्ते पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि किस तरह ये गैर जुबानी इशारे, खासकर आंखों से राब्ते से किस तरह हमारी हालत मुतासिर होती है। यह आपको दिलचस्प नताइज जो आंखों से राब्ते की सूरत में सामने आते हैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला राज, आँखों से राब्ते से बेचैनी पैदा होती है। बराए रास किसी को घूरना इश्तियाल अंगेज रद्दअमल का सबब बनता है। इसी तरह किसी को घूरने से उसकी हौसला अफजाई की तशरीह भी होती है। इसी तरह किसी अजनबी का नागवार दिखाई देना खतरे की और कानून का टूटना दिखाई देता है। इसी तरह आप कुछ जानवरों को ही ले लें, जैसे कुत्ता बंदर, अगर आप उन्हें घूरें तो वो डर के आप पर हमला कर सकते हैं। इसी तरह लड़के लड़की का आपस में एक दूसरे को देखना जोश का सबब बनता है। दूसरा राज, आंखें बता देती हैं कि मुस्कुराहट हकीकी है या नहीं। माहिर नफ्सियात पॉल एकमैन के मुताबिक मुस्कुराहटों में फ़र्क पाया जाता है। मुस्कुराहट हकीकी खुशी की नुमाइंदगी करती है और यह मुस्कुराहट जाली भी हो सकती है। इंसान अपनी खुशियां कुछ दिखाने के लिए या छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मुस्कुराहट का इस्तेमाल लोग अपने झूठे जज्बात दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा राज, आंखों का राब्ता दिलचस्पी का निशान। जब हम किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं। मजीद मुताले के लिए एक औरत की आंखों को खस्ता हाल दिखाया गया तो उसकी कशिश में नुमाया इजाफा देखा गया, यानी आंखों का फैलना दिलचस्पी की और सुकड़ना कशिश की अलामत में शुमार होता है। चौथा राज, आंखों का मिलना और मोहब्बत। बाहिनी आंखों का मिलना मोहब्बत की अलामत माना जाता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मोहब्बत और कशिश का होना बाहिमी निगाहें मिलने का सबब बनती है। पूरे जिस्म में ये तो आंखें ही हैं जो इस बात की पेशनगोई करती हैं कि लड़का लड़की मोहब्बत में है। पांचवा इशारा, आंखें धोखाधही का इशारा भी है। आंखें धोखे का एक दुरुस्त इशारा है, लेकिन इस तरह नहीं जैसा कि आप सोचते हैं। मिसाल के तौर पर एक झूठा इंसान कभी आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, लेकिन इसके बरक्स एक सच्चा इंसान आंखें नीचे नहीं करेगा। एक सच बोलने वाला वजाहत ज्यादा करेगा और झूठ बोलने वाला आपको कायल करने की कोशिश ज्यादा करेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।